أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <applause> بہت ہی برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی يعني کسوٹی اپنے بندے پر اوترت کیا

राज में कोई साझी नहीं है जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे पूज्य बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं जो खुद अपने लिए भी किसी लाभ या हानि का अधिकार नहीं रखते जो न मार सकते हैं न जिंदा रख सकते हैं न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं

और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये व्यक्ति नकल कराता है और वे इसे सुबह व शाम सुनाई जाती हैं। ऐ नबी उनसे कह दो कि इसे अवतरित किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है वास्तव में वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और ना मानने वालों को धमकाता या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता या इसके पास कोई बाघ ही होता जिससे ये निश्चिंत तो होकर रोजी प्राप्त करता और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक जादू के मारे हुए आदमी के पीछे लग गए हो कैफ देखो कैसे कैसे तर्क ये लोग तुम्हारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। इन बड़ी बरकत वाला है वो जो अगर चाहे तो उनकी प्रस्तावित चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल वास्तविक बात ये है कि ये लोग उस घड़ी को झुठला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग जुटा रखी है ما رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَجَبْ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے سن لیں اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا اور جب یہ ہاتھ پاؤں بندھے उसमें एक तंग जगह ठूसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे उस समय उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो परिणाम अच्छा है या वो शाश्वत जन्नत यानी स्वर्ग जिसका वादा अल्लाह से डरने वाले परहेजगारों से किया गया है जो उनके कर्म का बदला और उनके सफर की अंतिम मंजिल होगी जिसमें उनकी हर इच्छा पूरी होगी जिसमें वे हमेशा हमेशा रहेंगे जिसका प्रदान करना तुम्हारे रब के जिम्मे में एक ऐसा वादा है जिसका पूरा करना अनिवार्य है

जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं फिर वो उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को पथभ्रष्ट किया था या ये खुद सनमार्ग से भटक गए थे वे निवेदन करेंगे पाक है आपकी सत्ता हमारी तो ये मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना संरक्षक यानी वली बनाए मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को भरपूर जीवन सामग्री दी यहां तक कि ये शिक्षा भूल गए और दुर्भाग्य ग्रस्त होकर रहे हो अं झुठला देंगे वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो फिर तुम ना अपनी विपत्ति को टाल सकोगे न कहीं से मदद पा सकोगे और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम कठोर अजाब का मजा चखाएंगे وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا أي نبي. तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वे सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे वास्तव में हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का साधन बना दिया है क्या तुम सब्र करते हो तुम्हारा रब सब कुछ देखता है जो लोग हमारे सामने पेश होने की आशंका नहीं रखते वे कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाए या फिर हम अपने रब को देखें बड़ा घमंड ले बैठे ये अपने जी में और सीमा से आगे निकल गए ये अपनी सरकशी में जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे वो अपराधियों के लिए किसी खुशखबरी का दिन न होगा चीख उठेंगे कि अल्लाह की पनाहिल और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम धूल की तरह उड़ा देंगे बस वही लोग जो जन्नत के अधिकारी हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने के लिए अच्छा स्थल पाएंगे आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस दिन प्रकट होगा और फरिश्तों के परे के परे उतार दिए जाएंगे उस दिन वास्तविक राज सिर्फ रहमान का ही होगा और वो इनकार करने वालों के लिए बड़ा कठिन दिन होगा जालिम व्यक्ति अपने हाथ चबाएगा और कहेगा क्या ही अच्छा होता कि मैंने रसूल का साथ दिया होता हाय मेरा दुर्भाग्य काश मैंने अमुक व्यक्ति को मित्र न बनाया होता उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत न मानी जो मेरे पास आई थी शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला और रसूल कहेगा ए मेरे रब मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक का विषय बना लिया था ए नबी हमने तो इसी तरह अपराधियों को हर नबी का शत्रु बनाया है और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही पथ प्रदर्शन और मदद को काफी है इनकार करने वाले कहते हैं इस व्यक्ति पर सारा कुरान एक समय में क्यों ना उतार दिया गया हाँ ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे मन में बिठाते रहें। और इसी उद्देश्य से हमने इसको एक विशेष क्रम के साथ अलग अलग भागों का रूप दिया है और इसमें ये प्रयोजन भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या विचित्र प्रश्न लेकर आए उसका ठीक उत्तर समय पर हमने तुम्हें दे दिया और उत्तम ढंग से बात खोल दी। जो तो जो लोग औंधे मुंह जहन्नम की ओर ले जाने वाले हैं उनका ठिकाना बहुत बुरा है और उनकी राह बहुत ही गलत وقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا هم نم موسى كوكتاب دى ارس كسات اشكى بهى هارون كو صحيح كروب ملاكايا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا ارس كها كجاو کہ اسقام كيور जिसने हमारी आयतों को जुठला दिया है आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया यही हाल नूह की कौम वालों का हुआ जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया हमने उनको डुबो दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक शिक्षा प्रद निशान बना दिया और उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने जुटा रखा है वा वा इसी तरह आद और समूद और अर रस वाले और बीच की शताब्दियों के बहुत से लोग तबाह किए गए فَكُنَّا ضربنا له الأمثالَ وكلا تبرنا تتبيراٌ إن منّيهِ فريقَ كو हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे दे कर समझाया और आखिरकार हर एक को तबाह कर दिया وقالوا اتو على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا और उस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर अत्यंत बुरी वर्षा बरसाई गई थी क्या इन्होंने उसका हाल देखा न होगा मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की आशा ही नहीं रखते ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं कहते हैं क्या ये व्यक्ति है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है इसने तो हमें पथभ्रष्ट करके अपने पूज्यों से विमुख ही कर दिया होता अगर हम उनकी श्रद्धा पर जम न गए होते अच्छा वो समय दूर नहीं है जब अजाब देखकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था हुआ 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 कभी तुमने उस व्यक्ति की हालत पर विचार किया है जिसने अपने मन की इच्छा को अपना पूज्य बना लिया हो क्या तुम ऐसे व्यक्ति को सीधे मार्ग पर लाने का जिम्मा ले सकते हो हम सब्लाम क्या तुम समझते हो कि उनमें से ज्यादातर लोग सुनते और समझते हैं ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह छाया फैला देता है अगर वो चाहता तो उसे स्थायी छाया बना देता हमने सूरज को उस पर दलील बनाया फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम उस छाया को धीरे धीरे अपनी ओर समेटते चले जाते हैं और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए, लिए लिबास और नींद को मौत की शांति और दिन को जी उठने का समय बनाया और वही है जो अपनी दयालुता के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है फिर आसमान से स्वच्छ पानी उतारता है ताकि एक निर्जीव भूभाग को उसके द्वारा जिंदगी प्रदान करे और अपनी सृष्टि में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सिंचित करे हु इस चमत्कार को हम बार बार उनके सामने लाते हैं, ताकि वे कुछ शिक्षा लें। मगर ज्यादातर लोग इनकार और नाशुक्री के सिवा अन्य नीति ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक सचेत करने वाला उठा खड़ा करते अतः ए नबी इनकार करने वालों की बात हरगिज न मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ भारी संघर्ष यानी जिहाद करो और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है एक स्वादिष्ट और मीठा दूसरा कड़वा और खारा और दोनों के बीच एक पर्दा पड़ा है एक रुकावट है जो उन्हें गड्ढ मड्ड होने से रोके हुए है और वही है जिसने पानी से एक आदमी पैदा किया फिर उससे वंश और ससुराल के दो अलग अलग सिलसिले चलाए तेरा रब बड़ा ही सामर्थ्यवान है और वो दोनों उस अल्लाह को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि और ऊपर से ये भी कि इनकार करने वाला अपने रब के मुकाबले में हर विद्रोही का सहायक बना हुआ है नबी तुमको हमने बस एक खुशखबरी देने वाला और सचेत करने वाला बनाकर भेजा है इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता मेरा बदला बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का मार्ग अपना ले उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बी करो अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है फी अला वो जिसने छह दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमानों और जमीन के बीच हैं, फिर आप ही सिंहासन पर विराजमान हुआ रहमान उसकी महिमा बस किसी जानने वाले से पूछो। वा 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 उन लोगों से जब कहा जाता है कि उस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरे ये आमंत्रण उनकी नफरत में उल्टा और अभिवृद्धि कर देता है बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद प्रकाशमान किया خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. [SpeakerB] وهي هي جسنراتور دينكو ايك دوسريكاست هانا بن بن ايا هاروس بيكتي كليي جوشيكشالينا شاهي يا كرتجي هنا شاهي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. रहमान के वास्तविक बंदे वे हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुजारते हैं जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले उसका अजाब तो जान का लागू है वो तो बड़ी ही बुरी ठहरने की जगह और स्थान है जो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न कंजूसी से काम लेते हैं बल्कि उनका खर्च दोनों सीमाओं के बीच संतुलन पर स्थिर रहता है इल्ला वला वमन जो अल्लाह के सिवा किसी और पूज्य को नहीं पुकारते अल्लाह के वर्जित किए हुए किसी जीव का ना हक कत्ल नहीं करते और न व्यभिचार करते हैं ये काम जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قيامت کے دن اس کو بڑھا کر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ اپمان پڑا رہے گا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ये और बात है कि कोई इन गुनाहों के बाद तोबा कर चुका हो और ईमान लाकर अच्छा कर्म करने लगा हो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है जो व्यक्ति तौबा करके अच्छा कर्म करता है वो तो अल्लाह की ओर पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है और रहमान के बंदे वे हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी बेहुदा चीज पर उनका गुजर हो जाए तो सज्जन आदमियों की तरह गुजर जाते हैं ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے وَلِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا जो दुआएं मांगा करते हैं कि ए हमारे रब हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको डर रखने वालों का इमाम बना बिमा ये हैं वे लोग जो अपने सब्र का फल उच्च भवन के रूप में पाएंगे आदर सूचक शब्दों और सलाम से उनका स्वागत होगा वे हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे क्या ही अच्छा है वो ठहरने की जगह और स्थान। ए नबी लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो अब जबकि तुमने झुठला दिया है जल्द ही वो सजा पाओगे की जान छुड़ानी असंभव होगी